नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोवर्धन। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल गोवर्धन गेमर। तो अभी फ्री फायर मैक्स की बातें चल रही हैं, फ्री फायर मैक्स चर्चा में आ चुका है, तो सोचा हम भी थोड़ा बोल लेते हैं फ्री फायर मैक्स। तो देखो स्क्रीन पे मैंने फ्री फायर मैक्स डाउनलोड कर लिया है। फ्री फायर और फ्री फायर मैक्स दोनों लगभग सेम ही है, कुछ अलग नहीं दिख रहा, ठीक है, दिखने में दोनों सेम है। तो अगर हम इसको ओपन करेंगे तो क्या होगा वो भी हम बताएंगे, सब कुछ बताएंगे वीडियो में। बट अभी फ्री फायर मैक्स है क्या, फ्री फायर मैक्स जो है फायर का एक एडवांस वर्जन है। यानी कि अब मेरे को जितनी न्यूज़ मिले उसके हिसाब से ये था कि फ्री फायर का सर्वर और फ्री फायर मैक्स का सर्वर एक ही रहने वाला है। तो यार ये तो कोई बात नहीं होती, क्योंकि फ्री फायर मैक्स एक अगर एडवांस वर्जन है, यानी कि प्लेयर के पास कुछ न कुछ जो फ्री फायर मैक्स के प्लेयर हैं उनके पास एडवांटेज तो होगी, तो वो तो है होगी। बट चलो ठीक है, अभी जो भी होगा आगे देखा जाएगा। मेरे हिसाब से तो अलग अलग सर्वर रखने चाहिए थे। तो ये जो फ्री फायर मैक्स है इसकी जो बीटा टेस्टिंग जो स्टार्ट हुई थी 24 जून से स्टार्ट हुई थी मलेशिया और कंबोडिया और एक कंट्री और थी, इन तीन कंट्री में स्टार्टिंग हुई थी। और शायद 14 जुलाई को इन टेस्टिंग वगैरह ख़त्म भी कर दी इन्होंने। तो अदर्स कंट्री में ये जल्दी अवेलेबल हो जाएगा। इंडिया में ये गेम अभी तक किसी को भी नहीं मिला है, ठीक है, और मेरे को भी नहीं मिला है। आप स्क्रीन पे देख रहे हो, मैं सब आगे बताऊंगा ये क्या है क्या नहीं है। तो इंडिया में नहीं मिला है और लॉन्च की डेट भी अभी फिक्स नहीं करी है। तो मतलब टेस्टिंग ख़त्म, अब ये बोल रहे हैं कि 2020 अपन अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 2020 के लास्ट तक या फिर 2021 की स्टार्टिंग में तो ये गेम प्ले स्टोर पर अवेलेबल हो जाएगा। अगर आप अभी प्ले स्टोर पर ढूंढोगे तो आपको नहीं मिलेगा, बट अगर आप VPN वगैरह यूज़ करके कुछ करते हो तो भी आपको नहीं दिखेगा। बट ये देखो स्क्रीन पे, मैंने गूगल पे सर्च किया था तो वहाँ पे प्ले स्टोर का ही एक लिंक आया जिसमें दिखा रहे कि हाँ ये है, बट ये आपकी कंट्री में अवेलेबल नहीं है। तो उस मैंने देखा क्या है, उस पर टच किया तो वही है कि अभी जो इसकी बीटा टेस्टिंग के लिए जिन जिन को अप्रूवल मिल गया है आगे से वही इसको डाउनलोड कर सकते हैं, उनके पास इसका एक्सेस है पूरा, अपने पास कुछ भी नहीं है। तो ये फ़ोन तो स्क्रीन पे देख रहे हो, ये मेरा ही फ़ोन है, इसमें मैंने डाउनलोड करा था। एक मलेशिया का कोई यूट्यूबर था, वहाँ से एप और OBB का लिंक वगैरह मान के मैंने डाउनलोड करा। तो साइज़ लगभग अभी तो 1 GB की बन रही है, और कस्टम एक्सपांशन डाउनलोड करने के बाद अगर मानो नहीं मानो तो भी 2 GB तक, 2 से 2.5 GB तक जाएगा गेम। तो 2 से 2.5 GB तक जाएगा, ठीक है। तो मैंने डाउनलोड तो कर लिया, पर जब हमने स्टार्ट करा, चलो स्टार्ट भी हो गया, अच्छा पहले मतलब स्टार्ट हुआ अच्छा खासा दिख रहा था कि हाँ चलो ठीक है, मेरे को लगा कि हाँ मैं खेल लूँगा या फिर एक हाई पिंग पे भी चलेगा गेम तो कोई दिक्कत नहीं होगी। बट जैसे ही मैंने स्टार्ट करा तो ये देखो क्या हो गया, ये वाला एरर आया। अब इस एरर में मतलब सीधी सी बात है, आप नहीं खेल सकते, ठीक है। तो अगर आप इधर उधर से डाउनलोड करने का सोच रहे हो या फिर किसी ने किया है तो उसने डेटा वेस्ट किया है, और अगर कोई सोच रहा है तो उसको तो बोल दूंगा कि भाई तुम करो ही मत, डेटा वेस्ट है, कोई मतलब नहीं है। और अगर ऐसा कुछ होगा कि इंडोनेशिया वगैरह में ये गेम अगर रिलीज़ करते हैं पहले तो आप VPN लगा के खेल सकते हो, बट अभी वहाँ पर भी कुछ सेलेक्टेड बंदों को मिला है तो डाउनलोड करके खेलने का कोई मतलब नहीं बनता। बट एक चीज़ है कि फ्री फायर मैक्स ये 4 GB मतलब मिनिमम रैम इसके लिए आपको 4 GB की रैम लग सकती है। मेरे फ़ोन में 3 GB है चल रहा है, बट अगर मैं इसको एकदम लो जो लोएस्ट सेटिंग होगी ग्राफिक्स की उस पर खेलूँगा तो ढंग से खेल पाऊँगा। बाकी अगर अभी फ्री फायर है वो तो मेरे में हाई में चल जाता है, बट अगर फ्री फायर मैक्स तो नहीं चलने वाला, ये तो मैं कंफर्म कह सकता हूँ। मतलब 4 GB रैम मिनिमम चाहिए, जो भी ये बंदे यूट्यूबर बड़े बड़े बोले कि 8 GB रैम लगेगा, हमारे तो 6 GB में अटकता है, फ्री फायर ही लेग करता है। तो सीधी बात, मैं 3 GB में खेलता हूँ, कोई लेग नहीं होता फ्री फायर,
तो फ्री फायर मैक्स मिनिमम 4 GB रैम में तो आराम से चल जाएगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से करेंगे डाउनलोड वगैरह। अभी देखते हैं कैसे क्या होगा, जो भी होगा अगर मेरे से हो सका तो आपको गेम प्ले या फिर कोई भी फ्री फायर मैक्स से रिलेटेड न्यूज़ मैं इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो मेरे को, अगर फॉलो नहीं करना है तो कोई बात नहीं, देख लो फॉलो कर लेना, वहाँ पे अगर ऐसा कुछ हुआ कुछ भी न्यूज़ मिलेगी तो वहाँ पे बता दूंगा। बाकी आप फ्री फायर ऑफिशियल के पेजेस को भी इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अभी। और हाँ, और यार ये जो बैकग्राउंड में नॉइस आ रहा है इसको थोड़ा सा अवॉइड करो, ईयरफोन लगा के सुनो, और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। देखो बहुत अभी 200 सब्सक्राइबर हुए हैं, एक बार 500 करवा दो, फिर आगे लाइव स्ट्रीम गिव अवे सब करेंगे, ठीक है। तो इस आवाज़ को एक बार के लिए थोड़ा सा कर दो, क्योंकि यार अब जैसा भी है जो भी है वीडियो तो बनाना था, बना के अपलोड भी हो चुका है, देख भी रहे हो, तो ईयरफोन लगा के सुनो, मेरे हिसाब से आप लोगों को अच्छा साउंड आ जाएगा। बट फिर भी मैं ट्राई करूँगा थोड़ा सा और इन्हेंस करने की, तो यही है, लाइक कर दो और कमेंट कर दो। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, देखो सही बता रहा हूँ, सब्सक्राइब किए बिना गए तो फिर कभी ना कभी तो लौट के आओगे मेरे चैनल पे, कभी ना कभी, तब सब्सक्राइब कर लेना। कोई भी डाउनलोड मत करना यार, अगर किसी को चाहिए कि हाँ नहीं मेरे को देखना है तो मेरे को कमेंट करके बता देना, मैं आपको लिंक अवेलेबल करवा दूँगा, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।